हेलो गाइस, तो गुड मॉर्निंग। सो आज सेकंड डे है हमारा मुनार का। हम लोग उठते गए थे 6:30 को। उठने के बाद जो बाहर का व्यू था, आप वीडियो में देखना क्या गजब व्यू था। पूरे बादल थे और सामने बिल्कुल बादलों से ढका हुआ था। तो अभी बज रहे हैं 7:30, 7:45। तो हमने सोचा पहले ब्रेकफास्ट करके आके फ्रेश होके निकलते हैं। और अब आपको कल तक आपको बाहर का व्यू दिखा नहीं पाए थे दिन में, रात को रात हो गई थी रूम से। तो अभी दिखाते हैं आपको बाहर का व्यू। ये है बाहर का व्यू। तो ये सामने वाला सुबह सुबह बिल्कुल बादल ही बादल थे, कुछ नज़र नहीं आ रहा था। तो ये मुनार सिटी है सामने, यहाँ पे है मुनार सिटी। ये सारी मुनार सिटी है। और ये होटल में थोड़ी कंस्ट्रक्शन चल रही है, अभी 70% बन गया है, ऑपरेशनल है। बट यहाँ पे पूल विलास भी बन रहे हैं अभी। और उसके अलावा यहाँ पे पेट कैफ़े भी बनेगा, जिसमें पेट्स लेके आके पेट भी छोड़ सकते हो। तो अभी चला जाए ब्रेकफास्ट करने के लिए। ये है डाइनिंग एरिया। गुड मॉर्निंग। यहाँ की सर्विस बहुत अच्छी है, खाने में तो बहुत आइटम्स है। ब्रेकफास्ट में देखो कितने आइटम्स हैं पूरा एंड तक। ये बेकरी आइटम्स हैं, खाने में इतने आइटम्स हैं ना कि कंफ्यूज हो गया क्या खाया जाए। साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, कॉन्टिनेंटल सब भरा पड़ा है। अभी रखा जाए कैमरा और खाने की प्लेट भर के लेके आया जाए। तो ब्रेकफास्ट में मैंने आज कॉन्टिनेंटल ऑर्डर किया है, खाया थोड़े पोटैटो वेजेस लिए, सॉसेजेस, फ्रूट्स, केक और बीन्स, बेक बीन्स। थोड़ा लाइट खाने का मन कर रहा था, कल रात थोड़ा सा हैवी खा लिया था आने के बाद, खाया ही 12 बजे से। और वैसे भी ट्रैवल करना है दिन भर, आज तो लाइट खाएंगे और दोपहर को कुछ खाएंगे हल्का फुल्का, इसलिए लाइट खाते हैं। तो अभी फटाफट शुरू करते हैं, लग रही है बड़ी भूख, खाना खाना शुरू करते हैं, उसके बाद निकला जाए। सुंदरता गजब। आज हम सुबह अभी 12 बजे हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं, ज़्यादा नाम क्या है, देवीकुलम जा रहे हैं। रास्ते में अब थोड़ा और पहाड़ी के ऊपर आ गए हैं और रास्ते में जो ब्यूटी है मतलब गजब ही है, बिल्कुल टी एस्टेट्स। आई थिंक ये सब इससे जस्ट पहले आया था एक जगह, वो वर्ल्ड हाईएस्ट टी एस्टेट्स है। और ये बेल टू टू कर रही है, वो पहाड़ देख के सुंदर लग रहे हैं, वो बादल देख के सुंदर लग रहे हैं। मतलब जो लोग एक बार केरला मुन्नार नहीं आया ना, मैं थर्ड टाइम आ रहा हूँ और अभी काफ़ी लंबे ड्यूरेशन के बाद, जो मुन्नार की ब्यूटी है हिल स्टेशन में वो अलग ही टाइप की है। मतलब नॉर्थ में आप जाते हो वो थोड़े से ड्राई होते हैं, उत्तराखंड थोड़ा सा है बट उसमें हम उसका वो नॉर्मल पेड़ पौधे हैं, पर यहाँ पे टी एस्टेट की जो ब्यूटी है देखो, हुए ऐसा तो गोल है बिल्कुल, किसी का पेट लग रहा है मोटे का ऐसा लग रहा है, वहाँ पे किसी का पेट है वहाँ पे। ये जो ब्यूटी है ना ये अलग ही ब्यूटी है। और यहाँ पे काफ़ी सारी वाइल्ड लाइफ भी है, यहाँ पे शेर वेर भी आ जाते हैं, हाथी वाथी भी आ जाते हैं यहाँ पे, तो सब लोग उतर उतर के फोटो खिंचवा रहे हैं, खिलवा रहे हैं। हाँ लोग हमको दिल्ली की गाड़ी देख के हमारी, उन लोग सब लोग हमको सोच रहे हैं कि हम लोग दिल्ली से आए हैं, यहाँ पे पूछ रहे हैं सर कहाँ से आए हो। हम दिल्ली से ड्राइव करके आए हैं, आज दिल्ली से ड्राइव करके बैंगलोर आए थे, पर ये तो अभी बैंगलोर से आ रहे हैं। रास्ते देखो, रास्ते यहाँ पे नीला करंजी नाम का कुछ खिलता है, कहते हैं 21 साल बाद खिलता है, फूल है, खिलता है 21 साल बाद खिलता है। एक दो दो तीन कोविड से जस्ट पहले वो खिला था, कहते काफ़ी ज़्यादा है खिला था उस समय, अभी तो हमको कुछ दिखा नहीं। एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है यहाँ पे पेरियर में, वहाँ उस तरफ जा रहे हैं, देखते हैं कुछ क्या है वहाँ पे। हमने उस साइड कभी एक्सप्लोर नहीं किया मुन्नार का, मुन्नार में तो सिटी के आसपास तो हमने काफ़ी एक्सप्लोर किया हुआ है, बट उस तरफ जा रहे हैं, थोड़ा सा अनटच्ड है, थोड़ा सा ज़्यादा बढ़िया नेचुरल है, तो वहाँ जा रहे हैं आज देखने के लिए। तो अभी तो 11:30 बजे हैं, ये देख के वापस आएंगे,
वापस मुन्नार के पास एक डैम है वो देखेंगे, दो डैम है एक्चुअली, तो उनमें से एक डैम देखेंगे, उसकी ब्यूटी शाम को ही होती है जब सन कम हो जाता है तभी ब्यूटी होती है, तो इसलिए हमने अभी स्किप कर दिया। अभी हम लोग वहाँ जा रहे हैं देवीकुलम और वहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। रास्ता तो मस्त है बट क्या बोले, मतलब इतनी गर्मी थी बैंगलोर में, उसके बाद यहाँ पे आके जो ग्रीनरी जो फ्रेश फ्रेश एयर है मज़ा ही आ गया। जा रहे हैं गैप रोड, ये मुन्नार से कुछ 10-12 किलोमीटर दूर है। हमने लोगों से पूछा, लोगों ने बोला बहुत बढ़िया जगह है जाओ वहाँ पे। तो उसका जो रास्ता है मुन्नार से वो बहुत ही अमेजिंग है। तो अभी रास्ते में जा रहे थे तो हमने ये जगह आई, जगह का नाम मुझे मालूम नहीं है कौन सा है। तो अभी ऐसी ब्यूटी देखो क्या है पीछे, ये देखो पूरा व्यू इसका। लोग नीचे टी स्टेट्स में भी जा रहे हैं वॉक करने के लिए, मेरे ख्याल से अलाउड है नीचे जाना। हम भी देखते हैं, लोग वहाँ पे टी स्टेट्स में काम भी कर रहे हैं, चाय निकाल रहे हैं। यहाँ देखो लोग काम कर रहे हैं टी स्टेट्स में। ये हमारी गाड़ी खड़ी है यहाँ पे, अगर आप मुन्नार आ रहे हो तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि ये वाली जगह, ये रूट पे पक्का है, तो मैं आपको गूगल मैप में लोकेशन में डाल दूँगा इसी जगह। और लोग देखो पीछे टोकरी टांगे घूम रहे हैं फ़ोटो खिंचाने के लिए यहाँ पे। थोड़ी देर टाइम स्पेंड करेंगे, थोड़ी फोटोग्राफ्स वगैरह खींचेंगे, यहाँ पे जगह बढ़िया है, उसके बाद जाया जाएगा आगे गैप रोड के लिए। यहाँ पे काफ़ी लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पे तो मुझे कोई चाय पत्ती पर जहाँ पे थोड़ी थोड़ी चाय की स्मेल भी आ रही है, चाय की बहुत फ्रेश एयर है। दो पहाड़ों का रंग देखो, दो दो पहाड़ों का अलग अलग रंग है, ग्रीन है और वहाँ पे अलग थोड़ा डार्क कलर में है, पता नहीं वो सूखे हैं या फिर कोई और टाइप के चाय है। जाया जाए, अभी हमको आगे जाना है, उस रोड पे जाना है हमको, ये रोड से फॉलो करते हुए आई थिंक हमको ये रोड से फॉलो करते हुए हमको ऊपर तक जाना है अभी, और यहाँ से कुछ 15-20 मिनट दिखा रहे हैं, तो हम आगे जाया जाए। तो गाइस, तो अभी हम लोग रुके हैं लंच के लिए, एक बिल्कुल ही ग्रेट एस्केप्स नाम का रिसोर्ट देखा, मेरे फ्रेंड लोग गए थे बहुत पहले, उन्होंने बताया था। तो हम लोग गैप रोड से आ रहे थे, गैप रोड पे ही एक्चुअली में, गैप रोड का व्यू बहुत मस्त है एंड रास्ते में आया था। तो अभी हम यहाँ पर लंच करने के रुके हैं और रोड गजब है ऑफ रोडिंग के लिए बिल्कुल। तो ग्रेट एस्केप्स में तो हमको खाना नहीं मिला, तो हम आए एम्बर डेल सिटी में। क्या यहाँ पे हमारा रुकने का प्लान था, बहुत बढ़िया रिसोर्ट है, बट लकीली थैंक यू बट वहाँ पे रूम अवेलेबल नहीं थे, तो अभी वहाँ पे हम लंच करने के लिए आए हैं। तो रास्ता है बहुत ज़बरदस्त है, बिल्कुल पतला रास्ता, अब आते वक्त वीडियो लेंगे, जाते हुए तो वीडियो ले नहीं पाए, कुछ आखिरी के 2 किलोमीटर का बहुत पतला रास्ता है। तो अभी चलते हैं लंच करते हैं। तो अभी लंच करने के बाद हम लोग आए थे डैम देखने के लिए, बट इतनी भयंकर बारिश होने लगी, ये देखो इतनी ज़बरदस्त बारिश होने लग गई,
ये है डैम, यहाँ पे स्पीड बोटिंग वगैरह सब कुछ होती है। विंडो डाउन करियो। मस्त डैम है, बट इतनी बारिश हो रही है, पता नहीं क्या किया जाए। थोड़ी देर वेट करेंगे, आगे एक वो भी है, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, थोड़ा वहाँ तक ड्राइव करके आते हैं थोड़ी देर तक, देखते तब तक बारिश सूख जाती है। ये इको डैम भी है, आगे एक और डैम दिख रहा है, कुंडला डैम। कुंडला डैम तो पीछे आपको बोटिंग वगैरह है, दो जगह बोटिंग है, एक तो बिल्कुल स्टार्टिंग में है जब मुन्नार सिटी से आ रहे हो, और एक है उसके बाद। दो दोनों जगह आप बोटिंग कर सकते हो, पर जो पहली वाली जगह है वहाँ पे तो मुझे जेट्स की वगैरह सब दिखी थी। चार्जेस वगैरह कितने हैं कुछ पता नहीं, बारिश हो रही थी, हमने आगे आगे बारिश कम होगी, बारिश तो इतनी भयंकर होने लगी, और तेज होगी बारिश तो गजब। तो जो भी बोलो, पहाड़ों में ना बारिश में चलाने का ही मज़ा अलग है। सब लोगों ने अपने डिपर ऑन कर दिए, मुझे भी लगता ऑन कर देंगे। अभी सुबह ही बारिश हुई थी मेरे ख्याल से बहुत तेज, फिर रुक गई थी, अभी फिर बारिश शुरू हुई थी, कल शाम को हुई थी इस समय, तो रोज़ शाम को लगता है बारिश होती है। अभी तो टाइम है, अभी तो 5 भी नहीं बजे हैं, अभी टाइम ज़्यादा हुआ नहीं है, अभी 5 भी नहीं बजे हैं, और देखते हैं कितना टाइम लगता है बारिश हुई रुकती है। तो थोड़ा इको पॉइंट और डैम आपको दिखाते हैं, बढ़िया जगह है। ये यहाँ पे कुंडला डैम है, ये कुंडला डैम हम आए थे, बट अभी अंदर जाने के लिए अलाउड तो है, बट प्रॉब्लम क्या है, अंदर वीडियोग्राफी वगैरह अलाउड नहीं है। अभी हम देख के आए हैं, सिर्फ फोटोग्राफ्स वगैरह ले सकते हो, बट यहाँ से मैं दिखा देता हूँ आपको डैम कैसा है। बट ये काफ़ी आगे आता है, आप एक जो क्या नाम है, एक किसके आगे आता है जाएगा ना वो डैम, मट्टूपट्टी डैम। हाँ, ये आगे आता है, मट्टूपट्टी डैम आता है उसके आगे। बारिश हो रही थी वहाँ पे, हम आगे आ गए, तो उससे कुछ 10 से 15 किलोमीटर आगे है ये डैम। तो अभी यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे चाय वाय पियेंगे, यहाँ पे शॉप्स है काफ़ी सुंदर है। यहाँ बोटिंग आई थिंक नहीं होती, मेरे को दिखा नहीं कुछ बोटिंग का, कुछ बोट कार जाती है पतली सी रोड से अंदर से, इधर से कार जाती है, बट वो कह रहे हैं कि वहाँ पार्किंग नहीं है, तो मैंने कहा फालतू में रिस्क नहीं लेना, इसलिए हम जा नहीं, मैं जा नहीं रहा अंदर। पर डैम तो काफ़ी ब्यूटीफुल है, काफ़ी सुंदर है, बट अंदर वीडियो का फेल आउट नहीं है, तो इसलिए हम मैंने वीडियो नहीं ले पाया अंदर। हम घूम के आए, थोड़ा आगे तक वॉक करके जाना है, घूम के आए। अगर आप आ रहे हो तो इधर पक्का आइए, काफ़ी बहुत बढ़िया जगह है। अब हम वापस जा रहे हैं डैम। अगर आप आगे वट्टापाड़ा नाम की जगह है, वहाँ पे एक वो भी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वहाँ पे भी जा सकते हो। उधर ही है एक रिजॉर्ट भी है, अच्छा रिजॉर्ट है उधर, उसमें 4-5 कॉटेजेस हैं, बढ़िया था 4-5 साल पहले तो हम लोग गए थे। अभी वो यहाँ से कुछ था 20 किलोमीटर, उसके आगे स्ट्रॉबेरी फार्मिंग भी होती है, और कौन सी होती है पैशन फ्रूट के फार्म्स भी है, वो भी आप दे सकते हो। बट आपको जो डैम है उससे आपको कम से कम 30 से लेके 40 किलोमीटर, मतलब कि 1.5 से 2.5 घंटे का रास्ता है। बट आप मुन्नार आ रहे हो, वैसे आपको मैं बताऊंगा कौन सी वो जगह शाम को घूमनी चाहिए जो मेरे को अच्छी लगेगी इतना घूमने के बाद। तो ये पक्का आप खुद सेल्फ ड्राइव करके आ रहे हो, तो दूसरा जगह बताऊँगा पक्का जाना ड्राइव करने का, मत जिसको ड्राइविंग का पैशन है वो मज़ा आ जाएगा, वो वहाँ पर अलग ही ब्यूटी है वहाँ पर। तो अभी वापस जाया जाए, बारिश होगी रुक, और अभी जाया जाए डैम की तरफ, थोड़ा डैम देखा जाए, उधर डैम में देखते हैं अलाउ करते हैं नहीं करते। कुंडला डैम में तो अलाउ नहीं किया हमको वीडियोग्राफी, वहाँ पे लिखा होता है हेली कैमरा इज़ नॉट अलाउड, हेली कैमरा ड्रोन कैमरा को लिखा होता है हेली कैमरा अलाउड नहीं है। अभी हम अंधेरा से पहले पहुँचना चाहते हैं, ऑलरेडी 5:32 हो चुके हैं, और 6:15 के बाद थोड़ा अंधेरा शुरू हो जाएगा। बादलों के बीच से जा रहे हैं, तुम्हारी आवाज भी आ रही है, तो क्या हो गया, तू ही बोल सकती है। ये देखो बादल आ रहे हैं, देखो बादलों के बीच से जा रहे हैं, अभी लग नहीं रहा, नीचे से हम लोग देख रहे थे तो हमको यही बादल घने लग रहे थे, बादलों के बीच में जा रहे हैं।
तो अभी एक बेनिफिट है ये वाटापड़ा में रिसोर्ट में रुकने का, अगर आप उस रिसोर्ट में रुके तो रास्ते में आप सारे टूरिस्ट स्पॉट घूमते जाओगे, तो आपको बेसिकली क्या क्या दिख जाएगा, आपको पहले नाम तो बताओ। सहारी मेरिंडेल रिजॉर्ट है होटल रिजॉर्ट का नाम, मतलब उसमें एमिनिटीज वगैरह कुछ नहीं है। अगर आप ग्रुप में जा रहे हो, जंगल के बीचों बीच रिजॉर्ट है, हम गए थे, हमने तो मस्त बॉनफायर रात भर बॉनफायर करते थे वहाँ पे, हम ग्रुप में गए थे, यूकेलिप्टस ट्रीज के बीच में है, और उस समय तो उसका उनका शेफ बहुत बढ़िया था, खाना बहुत बढ़िया था उसका, अब पता नहीं कौन है शेफ वहाँ पे। तो इतना ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन में रखना, पर रूम बढ़िया है, रूम काफ़ी अच्छे हैं, बहुत बड़े बड़े रूम हैं, कॉटेज वुडन कॉटेज बने हुए हैं, फायरप्लेस भी है वहाँ बना हुआ है, फायरप्लेस ऑपरेशनल है पता है नहीं, बट उसके बाहर ही बहुत बड़ा कॉटेज के पास सिटिंग एरिया है, वहाँ पे आप बॉन फायर कर सकते हो। और वो रिसोर्ट जाने के लिए आपको बेनिफिट है, आप इको पॉइंट दिख जाएगा, कुंडला डैम दिख जाएगा, और आपको वो व्यू पॉइंट है ऊपर वो भी रास्ते में आ जाएगा, उसके बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ जाएगी, उसके अंदर रिसोर्ट है, तो ये बेनिफिट। और यहाँ पे ठंड भी ज़्यादा होती है, मतलब जिस रिसोर्ट में हम रुके हैं यहाँ से वहाँ के टेम्परेचर में 7 डिग्री का ऑलरेडी डिफरेंस है, 7 डिग्री का, मतलब मस्त ठंडा भी होता है वहाँ पे। अभी एक आपको स्पॉट दिखाऊंगा वहाँ पे, वो निकल गया स्पॉट, निकल गया ना, अरे वो पीछे निकल गया स्पॉट, उधर एक्चुअली आप वो स्पॉट देखने के लिए आए थे, उस स्पॉट में क्या मुनार सर्च करोगे तो वो आता है, वो रोड दिखाते हैं ऐसे ऐसे करके, रोड है, बादल देखो वीडियो में पता नहीं कैप्चर हो पा रहे हैं नहीं हो रहे, ऐसे मतलब जमीन से धुआं निकल रहा है बट ये बादल है पूरे। तो वहाँ पे एक स्पॉट आता है, वो बहुत बढ़िया स्पॉट है, वहाँ पे फोटोग्राफी करने के लिए मैं कह रहा हूँ बेस्ट स्पॉट होगा अभी तक का। वहाँ पे क्या है कि रोड ऐसे की स्टेट्स के बीच में जा रही है, तो आप जा सकते हो अगर साइकिल हो ना, यहाँ पे साइकिल चलाने का मज़ा आएगा, क्या बात बोलते हो। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं मट्टापडु डैम, तो पहले आगे रास्ता होता था वो बंद है, अभी एक उसके थोड़ा आगे जगह है, तो इस डैम की 3 या 4 एंट्रेंस है, 2-3 तो ऑफिशियल एंट्रेंस है, वहाँ पे बोटिंग होती है बिल्कुल स्टार्टिंग से, आप मुनार से आओगे तो एक ब्रिज आता है वहाँ पे बोटिंग होती है, वहाँ पे मैंने आपको बताया जेट्स की वगैरह सब कुछ होती है। उसके आगे एक और पॉइंट है बोटिंग के लिए, वहाँ पार्किंग, दोनों जगह पार्किंग अवेलेबल है, कार पार्क कर सकते हो। अभी उसके आगे और पूरा डैम का सर्कल लगाओगे, पहाड़ी का सर्कल लगा के आओगे तो ये ओपन एरिया है इको पॉइंट के पास, तो यहाँ पे भी आप आ सकते हो, यहाँ से पूरा डैम का मस्त व्यू है, दिखा दिए, देखिए डैम का व्यू, ये देखो इको पॉइंट लोग ट्राई कर रहे हैं। मस्त सुंदर है, ये देखो मस्त एक हो रही आवाज, दिस इज द इको पॉइंट राइट, या दिस इज द इको पॉइंट, ओके, आ दिस प्लेस यू डू हैव नो नीड टू टेक अ टिकट, दैट एरिया यू हैव टू, या वी हैव टू, लास्ट टाइम एक्चुअली लास्ट टाइम दैट पार्ट वाज ओपन, या या विद द गाय स्टैंडिंग, दिस इज एक्चुअली इट वाज सपोज्ड टू बी क्लोज, या आई डोंट नो मे बी सम शूटिंग लोकेशन, मे बी आई थिंक सो, दैट्स इट, या मे बी सम शूटिंग। Last time I saw some people like drove their car also 2016. Yeah. No. So guys, ये eco point है, यहाँ पे आवाज eco होती है, मैं भी try करता हूँ eco करने का, चिल्ला के try करता हूँ, जैसे eco होती है ये। हाँ, थोड़ी थोड़ी होती है, मस्त जगह है यहाँ पे, लोग शूटिंग, वही बता रहे हैं, वो यहाँ पे लोग शूटिंग के लिए भी आते हैं, मूवीज वगैरह की शूटिंग भी होती है। तो ये डैम के इस पॉइंट पे आओ, पक्का इको पॉइंट की साइड है, बहुत बढ़िया है, और लोग फिशिंग भी कर रहे हैं, देखो
पानी बिल्कुल धीरे धीरे चल रहा है, ऐसा लग रहा है, मेरे को लगा स्टिल है पानी। यही डैम है, पहाड़ी के दोनों तरफ से डैम है। पेड़ों की परछाई क्या मस्त पड़ रही है नीचे वहाँ पे। यही केरला की ब्यूटी है, बिल्कुल यहाँ पे ज़्यादा अर्बनाइजेशन नहीं हुआ है, थोड़ा मुनार में है, उसके आसपास जाओगे घर भी हैं, इक्का दुक्का घर बीच में दिखते हैं आपको, आसपास हरियाली हरियाली, बहुत पेड़ पौधे हैं, पेड़ भरे पड़े हैं यहाँ पे। और जो मौसम इतने मस्त चिल है ना, हवा है जो चिल, अलग ही है वो यहाँ पे। अब वापस चला जाए।